एसपी हमें दे रहे थे, उमेश का भी बहुत धन्यवाद, उमेश हमारे साथ लगातार बने रहे। तो कुल जमा ये, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि संख्या जो है वो 85 है, और अब न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको खबर दिखाई 86 फ्लाइट्स को इसी तरह से लगातार धमकी दी जा रही है, और मेटा के पास, एक्स के पास कोई जवाब ही नहीं है। गजब है, धमकी दी जा रही है, इनके पास जवाब नहीं। चलिए ग्राउंड जीरो शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन आते ही मिठाइयों में मिलावट शुरू हो गई है। मिलावटखोर मुनाफे के लिए सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब सेहत से खिलवाड़ हो रहा है तो खाद्य विभाग भी एक्शन में है, लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह कि सिर्फ त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों चलता है, आज इसी पर ग्राउंड जीरो में बात करेंगे। इसके अलावा कालाबाजारी उजागर करेंगे जो मुरैना में खुलेआम की जा रही है। तो त्योहार का सीजन क्या आया, ऐसा लगा मिलावटखोरों की मौज हो गई, धड़ल्ले से मिठाई तैयार की जा रही है, वो भी मिलावटी। मतलब ये समझिए कि मिठाई लेने जा रहे हो या मौत लेने जा रहे हो, ये किसी को क्लियर नहीं। हैरानी की बात ये है कि छापे की कार्रवाई हो रही है, हर रोज शहरों में मिठाई की दुकानों में, फैक्ट्री में छापे चल रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है, ये कभी पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाता। कितने लैब है हमारे पास, लैब ही नहीं है, एक स्टेट लेवल का लैब है जहां पर ये सारे सैंपल पहुंचते हैं। सैंपल फेल होते हैं तो दुकानदारों पर, उन दुकानों पर ताला क्यों नहीं लटक पाता। आज भोपाल में एक एक्शन हुआ, नकली मावे के नाम पर 9 क्विंटल मावा जब्त किया गया। जबलपुर में कोई छोटी मोटी, जबलपुर का बहुत प्रतिष्ठित ये मिठाई का ब्रांड है, वहां पहुंचे, पता चला गंदगी के बीच मिठाई तैयार की जा रही थी, और आप कितना मजे ले लेकर मिठाई खाते हो बताओ। सवाल ये है कि 2 साल से खाद्य विभाग कहां था, त्योहार का सीजन आते ही कार्रवाई क्यों होती है, 2 साल नहीं हर साल। कई सवालों के बीच ग्राउंड जीरो भी आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हालांकि मुझे पहले जाना चाहिए, उसके शैलेंद्र के पीछे आप कार्रवाई भी देख पा रहे हैं। शैलेंद्र मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पवन नामी ब्रांड, लोग क्या क्या सोच के नहीं जाते होंगे उसके पास मिठाई खरीदने, और लेकर आते हैं मौत, बड़े हैरत की बात। पवन बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जबलपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है उससे ये स्पष्ट होता है कि लगातार जो है खाद्य सामग्रियों में मिलावट हो रही है, क्योंकि खाद्य विभाग की टीमें जब भी पहुंचती हैं कार्रवाई करने के लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलता है जो कहीं ना कहीं सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। कहीं पर गंदगी मिलती है तो कहीं पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो कहीं पर जो है खाद्य सामग्रियों में मिलावट मिलती है। हालांकि ये सैंपल्स जो जब्त किए जाते हैं खाद्य प्रतिष्ठानों से, मिठाई की दुकानों से, सभी जगहों से, वो उनकी रिपोर्ट कब आती है और क्या रिपोर्ट आती है ये किसी को पता नहीं चल पाता है। हम इस वक्त जबलपुर की चौपाटी पर मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या होता है। भाई साहब, एक सिंपल सी बात है कि त्योहार आते हैं और खाद्य विभाग जो है वो लगातार कार्रवाई शुरू कर देता है, कहीं मिलावट की तो कहीं दुकानों में जांच की। क्या लगता है, क्या वाकई में मिलावट होती है, त्योहार आते ही खाद्य विभाग जबरन में सक्रिय हो जाता है? ये कार्यक्रम एक सार्वजनिक षड्यंत्र है, हर जगह हर दुकान में गंदगी नहीं पाई जाती है। ये भारतीय त्योहारों को, भारतीय रीति रिवाजों को बदनाम करने की एक साजिश है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, उसके तहत ये सब काम होता है। आप ये कार्रवाई पर 12 महीने क्यों नहीं चलनी चाहिए, हर रोज चलनी चाहिए यदि आपको खराब भी लग रही है। लेकिन कई जगह दुकानों में, फैक्ट्रियों में गंदगी मिलती है, क्या लगता है गंदगी क्यों रखते हैं फिर बनाने वाले? कोई नहीं रखता, मैन्युफैक्चर लाइन में गंदगी तो आपको मिलेगी, लेकिन वैसी गंदगी नहीं होती है जो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर असर डाले। ठीक ठीक ठीक, तो लोगों का कहना है कि ऐसी गंदगी नहीं होती जो सेहत। दरअसल वक्त की थोड़ी कमी है, एक और महत्वपूर्ण खबर का भी रुख करना है। शैलेंद्र आपके पास मैं आना चाहूंगा, त्योहारों से पहले मिलावट, मुनाफे और कालाबाजारी का, मुनाफे का खेल। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जो त्योहारी का सीजन होता है उस समय जो लोग हैं मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही लोडिंग है जिसमें कि लगभग 9 क्विंटल मावा जो है वो रखकर लाया गया था, उस पर कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है, क्योंकि देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में मावा पकड़ा गया? देखिये, ये 9 क्विंटल मावा है, अभी हम सबसे पहले तो उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं, और सैंपल करने के बाद ये लैब में जाएगा, तब वहां से ये पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी खराब होगी तो हम इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे, लेकिन अगर क्वालिटी सही होगा तो हम अभी सबसे पहले इसको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे,
जिससे ये ज्यादा तेजी से खराब ना हो। तो अगर इस क्वालिटी अच्छी होगी हमें इसको माल सौंपना पड़ेगा। सजा कितनी रहती है, क्या रहती है? अगर खराब होगा तो हम इसको डिस्ट्रॉय करा देंगे। सर अगर अगर इसमें मिलावट पाई जाती है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है या जुर्माने का प्रावधान क्या कुछ है? देखिए अगर मिलावट पाई जाती है तो दो तरह की बातें हो सकती है। एक तो सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट आए, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड से वेरिएशन, यानी खराबी है, कोई ना कोई मिलावट है लेकिन इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक। लेकिन अगर इसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, माइक्रोडेक्सट्रिन है, ऐसी कोई चीजें मिली हुई है तब ये इंजूरियस टू हेल्थ होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, और तब ऐसे में कारावास जो इम्प्रिजनमेंट वो होता है और सबस्टैंडर्ड होने में पेनल्टीज होती है, जुर्माना होते हैं। तो देखिए ललित जो अधिकारी है वो बता रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले का सैंपल लिया जा रहा है और यदि अमानक पाया जाता है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो जेल की कार्रवाई भी होगी और यदि सब स्टैंडर्ड पाया गया तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई अधिरोपित की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुल जमा स्थितियां ये कि स्वीटी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है और हानिकारक रहेगी, अफसर जब त्योहारों में नजर आएंगे तो हानिकारक रहेगी ही रहेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम अपडेट्स के लिए। अब जरा मुनाफाखोरों और काला बाजारियों के पास लिए चलते हैं। मुरैना में खाद के काला, पहले एक बात ध्यान रखिए, नेता संतरी मंत्री हुक्काम हुक्मरान सबने क्या कहा था, कहीं खाद की काला बाजारी नहीं हो रही, रामराज्य बिल्कुल आके अटका हुआ है, वेट कर रहा है। फिर देखिए काला बाजारी की तस्वीरें हैं, खाद के सौदागरों पर एक्शन हुआ है। मुरैना में खाद की काला बाजारी की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया। मुरैना में जौरा और मुरैना में 1200 बोरे ब्लैक में रखे खाद का वितरण किया गया, 43 बोरे डीएपी पकड़ाया है। सीधे अमित के पास लिए चलेंगे आपको। अमित, कालाबाजारी, 1200 बोरे डीएपी भी मिला है। जी बिल्कुल। देखिए लंबे समय से देखा जा रहा था कि मुरैना में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखा जा रहा था कि खाद की किल्लत है और किसान लगातार सुबह 4 बजे से ही खाद के लिए लाइन में लग करके जद्दोजहद करते थे क्योंकि ये रबी की फसल की बोवनी का समय चल रहा है और किसान चाहते थे कि उनको समय पर खाद मिल जाए जिससे उनकी इस फसल में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। यही वजह है कि वो लगातार प्रयास कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते से। तो मुरैना में ही देखा जा रहा है कि किसान सुबह 4 बजे आ जाते हैं और खाद के लिए जद्दोजहद करते हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। लेकिन अब देखा गया है कि जब किसानों की लगातार शिकायत की जा रही थी किसानों के द्वारा कलेक्टर से लेकर के एसडीएम से कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर जब प्रशासन हरकत में आया और जौरा एसडीएम ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसमें 1200 बोरे खाद के ब्लैक में रखे हुए थे और व्यापारी उसे उचित दामों में बेच रहे थे, उस पर कार्रवाई करते हुए अब किसानों को जो शासकीय मूल्य है उसी पर बेचा गया है। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अब किसानों के लिए तो राहत की खबर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी और नेता दावे कर रहे थे कि खाद की कहीं कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है और पर्याप्त मात्रा में है, तो अब उसका भी खुलासा हुआ है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से खाद के लिए किसान परेशान है। सर देखा जा रहा है किसान बेहद परेशान है खाद के लिए और कालाबाजारी भी हो रही है। खाद को लेकर के प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, पहली बात तो खाद स्टॉक में है ही नहीं और जो आ रहा है वो किसानों के से पता लगा कि नेताओं के यहाँ पहुँच रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस समय दिवाली का समय चल रहा है, किसान त्यौहार में लगा है, अपने खेतों को तैयार करने लगा हुआ है और जब उस वक्त खेत में बोनी का समय आता है तो जब खाद लेने आता है तो खाद नहीं मिलता है उसको। पहले वो खाद की टोकर के लिए लाइन में लगता है, फिर कट्टे के लिए लाइन में लगता है, तो उस दो बार लाइन में लगना पड़ता है, किराया खर्च करता है, समय खराब होता है, बार बार उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है उसको। अवस्था 10 कट्टे की है, मिल रहे 2 कट्टे हैं। और शिकायत ये भी आ रही है कि जीवाजीगंज में जो दुकान है खाद की वहाँ खुलेआम कट्टा मिल जाता है, किसान कह रहे हैं वहाँ ब्लैक में जाओ तो ब्लैक मिल जाता है। और प्राइवेट की जो पर्ची बांटी जा रही है उसमें स्थिति ये है कि दुकानदार स्पष्ट कहता है 450 रुपये का सल्फर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूरिया मिलेगा, तो किसान पर बेवजह लोड पैसे का लोड डाला जा रहा है, ये बहुत बड़ी विसंगति है। लेकिन डीएपी खाद मिल पा रहा है? डीएपी स्टॉक में है ही नहीं, अभी 2 दिन पहले गोदाम इंचार्ज कह रहे थे कि अभी रैक नहीं आई है और प्राइवेट दुकान पे खूब मिल रहा है ब्लैक में। आखिर ये स्थिति क्या है, कहाँ से जा रहा है प्राइवेट दुकानों पे? लेकिन डीएपी कल जोरा में भारी मात्रा में पकड़ा गया है, ये डिपार्टमेंट की कमी है, विभाग के जो अधिकारी है जो मिले हुए हैं वो इशू करते हैं दुकानों को, तो वो चेक क्यों नहीं करते कि कितना बटा है कितना नहीं बटा है और ये जा कहाँ रहा है, ये कम से कम चेक करना चाहिए। टोकन दे रहे हैं किसानों को तो टोकन उसको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है, ब्लैक में बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, ये कोई देखने को तैयार नहीं। देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया
वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर झूठे हैं ये दावे या आंकड़े किताबी हैं। फिर ऐसा बोलो तो नाराज हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही, नमस्कार।